पॉपुलर एक्ट्रेस और कपूर खानदान की लाडली प्यारी बेटी करिश्मा कपूर अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई हैं। आज के समय में करिश्मा कपूर सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटी समायरा कपूर और अपनी बेटी क्यान राज कपूर की परवरिश कर रही हैं। करिश्मा कपूर ने अपनी जिंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। करिश्मा का फिल्मी करियर जितना शानदार रहा है तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि करिश्मा का फिल्म इंडस्ट्री में कई स्टार्स के साथ नाम जुड़ा। करिश्मा कपूर का नाम जुड़ा सुपरस्टार अजय देवगन के साथ, तो वहीं बाद में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बेटे एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ उनकी सगाई हुई, लेकिन ये सगाई टूट गई और बाद में आगे चलकर करिश्मा कपूर साल 2003 में दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन संजय कपूर के साथ करिश्मा कपूर की शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। कुछ सालों बाद ही दोनों की राहें अलग हो गई। करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने शादी के 10 साल और 2 बच्चे समायरा कपूर और क्यान राज कपूर के होने के बाद अपनी शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया। दोनों का तलाक काफी बुरे नोट पर हुआ था। दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए और साल 2016 में दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। तलाक के बाद करिश्मा को अपने दोनों बच्चों की कस्टडी मिल गई और आज अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करिश्मा के पिता यानी कि दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर इस शादी के अगेंस्ट थे। दरअसल रणधीर कपूर नहीं चाहते थे कि करिश्मा कपूर की शादी संजय कपूर के साथ हो। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था। करिश्मा के पिता रणधीर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी संजय कपूर से कभी नहीं करवाना चाहते थे। हर कोई हमें जानता है, हम कपूर्स हैं, हमें किसी के पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ पैसों का ही आशीर्वाद नहीं बल्कि टैलेंट का भी आशीर्वाद मिला है जो हमें जिंदगी भर सपोर्ट कर सकता है। संजय एक थर्ड क्लास आदमी है। मैं करिश्मा की शादी उससे कभी नहीं कराना चाहता था। उसके सिस्टम में भ्रष्टाचार है और उसने कभी अपनी पत्नी की परवाह नहीं की। वो दूसरी महिला के साथ रहा करता था। पूरी दिल्ली जानती है कि वो कैसा है और मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। इस तरह से रणधीर कपूर ने अपने इंटरव्यू के जरिए करिश्मा के एक्स हस्बैंड यानी कि संजय कपूर को लेकर अपने दिल की बात कही। आज के समय में देखा जाए तो करिश्मा सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं और एक बेहतरीन माँ होने की मिसाल देती हुई नजर आती हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़।